आज हम श्वेत पत्र पेश करने वाले हैं उस मार्ग से जो जम्मू संभाग और कश्मीर के हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है, और आज से नहीं बहुत पुराने समय से हम इस समय मुगल रोड पे हैं, और यहां से हम आपको जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की उम्मीदों, दोनों क्षेत्रों के चुनावों, दोनों क्षेत्रों में हो रहे वादों और दोनों क्षेत्रों की जरूरतों की बात बताएंगे। 10 साल बाद जो चुनाव यहां पर हो रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, उस पर पेश है श्वेत पत्र। आठ साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? फारूक अब्दुल्ला। चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। कश्मीर के लोगों ने गलती की, उनको अकल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बीजेपी को हम रोक पाए। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की। रिलीजियस से उठकर, सबसे उठकर मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। घबरा रही है, उनके पास लोगों के पास माफी मांग के लिए इस बार और कोई चारा नहीं है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। अकेले ही है, अकेले ही चला था जान बे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बैठा गया। क्या अकेले सरकार बना पाएंगे? मेरे लिए सरकार बनाना मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है कश्मीर के लोगों को जो सेंस ऑफ डिफीट है उसे बाहर निकालना, कश्मीर का मुद्दा हल करना, एवरलास्टिंग पीस ले आना और ये चीज साबित करना कि कश्मीरी सुकून बेहतर नहीं है। चेहरों पर तनाव है क्योंकि जन्नत में चुनाव है। पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच एक दशक का फासला है। वोटर्स की लिस्ट में एक पीढ़ी वो है जिसने 370 वाले माहौल में उम्र गुजार दी। एक पीढ़ी वो तैयार हो चुकी है जो 370 हटने के बाद पहली बार वोट डालेगी। पीढ़ियों की सोच जब वोटिंग के लिए कतारों में लगेगी तब जम्मू कश्मीर अपना नया भाग्य लिखेगा। आप लोग गरीबों की आवाज सुनते हो, बाकी नेता लोग तो सिर्फ आते ना इलेक्शन के टाइम पे, हम ये करेंगे वो करेंगे, करना इन्होंने कुछ भी नहीं होता। हुकूमत चाहे वो बीजेपी की हो, एनसी की हो, कांग्रेस की हो, इसको जो भी आता है, जब वोट डालते हैं कुर्सी पे बैठते हैं फिर यहाँ कोई नहीं आता। इस बेसहारा आवाम की कोई तो आवाज सुन ले। 86.93 लाख कुल मतदाता है जिनमें 44.35 लाख पुरुष है, 42.58 लाख महिलाएं हैं, 25.3 लाख कुल युवा हैं, जिनमें 18 से 19 साल तक की उम्र के 45,964 युवा शामिल हैं। युवाओं की भूमिका निश्चित ही चुनावों में निर्णायक रहने वाली है। आपको 10 साल के बाद एक इलेक्शन मिल रहा है जिसमें आप अपना फैसला करेंगे, क्या आप इस जमीन के मालिक हैं, क्या कोई और इस जमीन का मालिक है? पहली बार है कि हमारे इन भाइयों को अपने वोट का अधिकार भी मिलेगा, और गुजर बकरवाल भाइयों को अब 9 सीटें विधानसभा में इनके एमएलए भी बनकर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कारण जाएंगे। इस पर अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलकर वोट करते हैं तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं? 2019 से पहले जो इलेक्शंस होते थे आपने देखा श्रीनगर में या बारामूला या कहीं भी, वोटिंग परसेंटेज 20-25-17-12 इतने परसेंट रहती थी। इस बार लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल को और 35A को एब्रोगेट किया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, लोग उससे नाखुश हैं। 6 साल पहले आखिरी बार सरकार देखी थी जम्मू कश्मीर में, तब से 2024 तक चिनाब में बहुत पानी बह चुका है। चिनार के पत्तों की बदलती रंगत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है और ये बदलाव दिखता है। न्यून दस्तार, न्यून यजत, न्यून यूट्यूब, चप्पे चप्पे में भी एक ही गुण सुनाई दे रही है,
फिर एक बार राजनीतिक लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़े दिन है। अपनी सरकार, अपना भविष्य चुनने का मौका बस चंद दिन दूर बचा है। तीन चरणों में वोटिंग होगी, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 8 अक्टूबर की तारीख नतीजों की शक्ल में दुनिया को ये संदेश देगी कि जनता ने कश्मीर में किसे अपना जनार्दन चुना है। पिछले 5 साल में हुए राजनीतिक बदलावों पर भी जम्मू कश्मीर की जनता अपना फैसला सुनाएगी और ये फैसला लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर की राजनीतिक विरासत तय करता रहेगा। लेकिन उससे पहले इन चुनावों में कई सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे। क्या 370 का मुद्दा चुनावों में असर डालेगा? क्या विशेष राज्य के मुद्दे पर जनता वोट करेगी? क्या आरक्षण का मुद्दा चुनाव की दिशा तय करेगा? क्या जम्मू कश्मीर विकास के मुद्दे पर वोट करेगा? यहाँ के इश्यूज क्या है सबसे? मेरे को तो लगता है बींग अ फीमेल के लड़कियां ज्यादा सफर कर रही हैं, जो क्योंकि उसकी लड़कियां जो हैं वो ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही हैं। आज के दौर में आपको पता है बेरोजगारी कितनी है। एक गरीब आदमी एक सिलेंडर पहले 350 या 400 का था, आज 950-1000 रुपए का हो गया। तो हमारे जैसा गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो पिछड़ रहा है, कुछ ज्यादा कुछ नीचे से नीचे जा रहा है। इन्फ्लेशन इतनी बड़ी है, कहते हैं पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, गैस तुम्हारे साथ है। उसके बाद अगर बात की जाए, मैम आपने सड़क का दौरा किया होगा कि सड़क की बहुत खस्ता हालत है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थितियों में भी बड़ा बदलाव आया है। सरकार बनाने के लिए हमेशा कश्मीर पर निर्भर रहने वाली सियासत के लिए जम्मू भी अब बराबरी के स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया है। वंशवाद ने नया विस्तार लिया है और अलगाववाद के झंडा बरदारों ने बुलेट की जगह बैलेट की तरफ रुख किया है। जमहूरियत के लिहाज से जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है।